नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर मोतिहारी में कई दिनों से हो रहे लगातार बारिश और बाढ़ से प्रभावित बाढ़ पीड़ितों से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना से मोतिहारी सड़क मार्ग से मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सुगौली के बंजरिया प्रखंड के चैलाहा और चकिया में बाढ़ पीड़ितों से मिले। हाईवे पर प्लास्टिक तान कर रह रहे बाढ़ पीड़ितों का दर्द जाना, साथ ही सभी के बीच सूखा भोजन यानी चूड़ा मीठा व अन्य सामान वितरित किया। वही जब राशन लेने के लिए भीड़ जुटा तो वे पैकेट से रुपए निकाले और बांटने लगे। तेजस्वी हर व्यक्ति को 200 रुपए दिए। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 136 दिन हो गए बिहार के मुख्यमंत्री को घर से निकले हुए। इनके अलावे उनके सिंचाई मंत्री भी अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। बिहार की जनता एक तरफ कोरोना से मर रही है, दूसरी तरफ बाढ़ बारिश के पानी में डूब रही है। सरकार के पास न कोई व्यवस्था है और न आगे की कोई तैयारी है। वही पप्पू यादव के कटाक्ष का भी वे कोई जवाब देने मुनासिब समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गया है लेकिन वो नहीं निकले। मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गया है लेकिन वो इस विपदा के घड़ी में बाहर नहीं निकले। वो उनकी तो दूर की बात है, सिंचाई मंत्री भी नहीं नजर आए होंगे, आपदा मंत्री भी नहीं नजर आए। तो आप देखिएगा, बिहार में हाहाकार मचा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने के लिए नहीं है, इलाज के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। त्राहिमाम जनता कर रही है, मर रही है, और इनको सरकार जो है पूछने का काम नहीं कर रही है। और पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ के चपेट में आया हुआ है, खास तौर पे जो चंपारण का इलाका है, यहाँ गंडक नदी वगैरह जो है कहर मचा के रखी हुई है। इसको देखते हुए जो है लोगों का जान मान का नुकसान हो रहा है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राहत शिविर चालू करना चाहिए, खाने पीने का जो सामूहिक रसोई है वो ज़्यादा से ज़्यादा चालू करना चाहिए। लगभग उत्तर बिहार में 14 जिले जो हैं वो चपेट में हैं और लगभग 1000 के आसपास पंचायत जो हैं वो चपेट में हैं। तो हम लोग लगातार यही कहते रहे कि संख्या जो है, आपको 40 लाख आबादी जो है प्रभावित हुई है इससे, 40 लाख, और सरकार का इंतज़ाम केवल 26,000 लोगों का ही रुकवाने का है। इसको तो और बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग आए हैं, जायज़ा लिए हैं, चंपारण चाहे बेतिया का इलाका हो, आपका मोतिहारी का इलाका हो, आपको पता है कि सुगौली जो है बॉर्डर का इलाका है, यहाँ जा कर के देखा गया। तो सब लोग जो है जान माल बचाने